नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। लगातार बिहार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है अपराध में। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जिस तरीके से रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है और भी तमाम घटनाओं को लेकर के पुलिस क्या काम कर रही है, किसी भी तरीके का खुलासा क्यों नहीं कर रही है और अपराधी जो है बेलगाम होते जा रहे हैं। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कहा है कि राज्यपाल बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर कोई ना कोई एक्शन ले। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद निकले तेजस्वी यादव और क्या कुछ बोले निकलने के बाद, आए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बिहार के बढ़ते अपराध, सत्ता संरक्षण और क्राइम से बढ़ता जा रहा है, लूट हत्या, इसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। छोटे मोटे जो रूटीन वर्क जो होते हैं पुलिसिंग की, पटना जैसे राजधानी में भी पेट्रोलिंग व्यवस्था रात में पुलिस की नहीं हो पाती और साफ तौर पे हम लोगों का स्पष्ट मानना है और कहना था कुत्ता के घी नहीं पचता है। मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है जिसे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा, वो लोग हर एक सवाल से बचने का काम करते हैं। बिहार के अधिकारी हो या पुलिस महकमे के अधिकारी हो, कोई फोन नहीं उठाता है, कोई जवाब नहीं देता है। इन सारी चीजों को लेकर के हमने चर्चा राज्यपाल महोदय जी से की और महामहिम का भी मानना है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं, इसको लेकर के महामहिम भी चिंतित और परेशान नजर आए और उन्होंने कहा है कि इंटरवेन वो करेंगे, संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी फटकार लगाने का वो काम करेंगे। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में लगातार जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरकार सही तरीके से नहीं चल पा रही है, पुलिस क्या कर रही है, जो अपराधी हैं लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल से उन्होंने बात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ यह भी कहा कि राज्यपाल भी बिहार की स्थिति को देखकर चिंतित हैं और राज्यपाल जरूर इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो अपने महागठबंधन के तमाम विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे और उनसे शिकायत करेंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी करेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।